हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक स्मार्ट वॉच जो बोट कंपनी की तरफ से आती है। तो कुछ इस तरीके उसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले टॉप पे बोट का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसी के बाद उसमें वॉच प्रीमियर लिखा है, जिस वॉच का नाम है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ केस पैक्स लिखे हुए दिख जाते हैं। अब जैसे बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी वॉच देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर में आती है। उसी के नीचे आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि पोगो पिन वाली है। उसी के साथ में आपको बोट के प्रोडक्ट्स की मेन्यू देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो वो जो आपका वॉच है, उसके आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको वॉच के बारे में सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आपको एक और कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर इसका जो कॉलिंग फीचर है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करा गया है। और लास्ट में आपको बोट का स्टिकर देखने को मिल जाता है। अब हम सीधा बात करें हमारी वॉच के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको देखेंगे तो प्रोफाइल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। और फ्रंट में आपको 1.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बॉडी की बात करें तो फुल मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है। और इसके साथ हम देखेंगे तो आपको 2 बटन देखने को मिल जाते हैं, एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए और एक बाकी फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। दूसरी साइड पर आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। बैक साइड आप देखेंगे तो फुल प्लास्टिक बैक आपको देखने को मिल जाता है, और वहीं पर सेंसर्स और इसका जो चार्जिंग पॉइंटर है वो देखने को मिल जाता है। टॉप पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ग्रिल दिख रही होगी, उसकी स्प्रिकर ग्रिल है। इसके बाद अगर हम स्ट्रैप्स की बात करें तो फुल आपको जो लेदर फिनिश में स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं, रियल लेदर नहीं है, पर अगर आप चाहें तो इनको इजीली चेंज कर सकते हैं, अगर आफ्टर मार्केट लेकर चेंज करना चाहते हैं तो। अब हम बात करें हमारी वॉच को बूट कैसे करना है। तो जैसे आप ऊपर वाले बटन को 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो वॉच है वो चालू हो जाती है। सबसे पहले बूट लिखा हुआ जाता है, उसका सीधा आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर डाउनलोड ऐप का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस पर जाना है तो आपके सामने QR कोड आ जाता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन में जाना है, सीधा QR कोड ओपन कर ले तो होता है कि इजी हो जाती है पूरी प्रोसेस, तो आपको ऐप ढूंढना नहीं पड़ता है ज़्यादा। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो सीधा आपके प्ले स्टोर पर लेके चला जाएगा, और अगर आपके पास एप्पल है तो सीधा आपके ऐप स्टोर पर लेके चला जाएगा। जिसके देख सकते हैं बॉट क्रश करके इसका जो ऐप है वो आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड करना है। देख जैसे कि मेरा ऐप अब डाउनलोड हो गया, आपको कुछ नहीं, सीधा ओपन करना है। तो फिर जो बाकी प्रोसेस होती है आपको अपने जो ऐप को चालू करने के लिए, वो सब आ जाती है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको स्किप भी कर सकते अगर आप चाहें तो, आपके हिसाब से जो करना है वो कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ें समझा रखी कि ऐप में क्या वर्क करता है, क्या चीज़ें होती है। फिर आपको कुछ नहीं, अपना नंबर डालना है, जो आपका नंबर चालू हो, क्योंकि उस पर OTP आता है, तो आपको हाथों तो OTP भी डालना पड़ता है। तो ऐसा डालना जो नंबर आपके पास में भी हो। तो आप जैसे देख सकते हैं OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग, जैसे कि 10 से 15 सेकंड लगे मुझे OTP वापस आने में। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो OTP है वो आ चुका है। कुछ नहीं करना, आपको OTP डालना है और आपको ऊपर जाकर अपना जो लोकेशन है वो चालू करना पड़ती है। उसके बाद फिर आप जो भी जोन से भी आपके पास वॉच है, जिसके अपना प्रीमियम है, तो आपको प्रीमियम पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर शो हो जाता है। वहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाता है कनेक्टिंग के लिए, कुछ नहीं होगा। जैसे हमने प्रीमियम पे क्लिक करा, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ओपन हो जाता है। देख जैसे कि इस तरीके का आ जाता है, आपको कुछ नहीं उस पर क्लिक करना है कनेक्टिंग पे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके ऐप पे बना हुआ जाता है और वॉच पे भी आ जाता है। तो आपको वहाँ पे जाकर टिक पे क्लिक करना है वॉच पे, और इस पे भी आपको नेक्स्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और पेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है। फिर आपको जो अपने स्टेप्स से जो डेली चीज़ें डालना हो वो आप डाल सकते हैं, आपको कितने स्टेप्स का टारगेट रखना हो सब। और ये ऐप अपना चालू हो चुका है। अब हम सीधा बात करें इसके ऐप के बारे में। तो सबसे पहले तो ऐप के फ्रंट में आपको जो अपना जितना भी डाटा होता है वो सब की रीडिंग्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जो एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलता है, तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसका डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके पास में फिटनेस प्लान का भी एक है, तो आप अपने हिसाब से कोई सही फिटनेस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नीचे की साइड सबसे कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको जो जितने भी अपनी एक्टिविटीज़ उसका इंडिविजुअल डाटा देखने को मिल जाता है, स्टेप्स कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट हो गया, और जितने भी फीचर्स है सबका आपको इंडिविजुअल डाटा देखने को मिल जाता है। उसी के पास आप देखेंगे तो आपको नीचे अपने जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो माय प्रोफाइल भी जाएंगे तो जो जो आपने अपनी डिटेल्स डाली वो सारी आपको देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे प्रीमियम के फीचर्स का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के अंदर सबसे टॉप पे वॉच फेसेस का ऑप्शन है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई सा भी सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करना है। तो जो अभी आपको दिख रहा होगा लोडिंग की लाइन आ रही है, ये दोनों वॉच पर भी ऐसी बनी हुई आ जाती है और आपके फ़ोन पर भी आ जाती है। तो जब तक 100% होती नहीं है तब तक ये अपने वॉच पर डलता नहीं और आप वॉच को भी यूज़ कर पाते नहीं। तो इसमें कुछ कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लेता है ये, मुझे काफ़ी बेकार लगा ये। देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है मेरे वॉच में। और अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ऊपर आपको बैकग्राउंड का भी एक और ऑप्शन मिल रहा होगा, वहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते थे। उसी के नीचे आप देखें तो आपको सैनिटरी रिमाइंडर्स का देखने को मिल जाता है, अलार्म्स का देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको अगर शेड्यूल कुछ रिमाइंडर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसी के नीचे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन से वो अलाउ करना पड़ता है। कॉल नोटिफिकेशन हो गए, SMS के नोटिफिकेशन हो गए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आपको इंडिविजुअल अलाउ करना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आए तो। और आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस जिस ऐप को आपको अलाउ करना है उसको अलाउ करके ऊपर जो सेव वाला है उस पर क्लिक कर दो, तो ये सारी चीज़ें अलाउ हो जाती है। उसी के नीचे आपको ऑटो HR ट्रैकिंग का भी देखने को मिल जाता है,
उसको बैक करेंगे तो नीचे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप अपना कॉन्टैक्ट्स डालना चाहते हैं वॉच में तो आप इजीली डाल सकते हैं, मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट आप डाल सकते हैं अपने वॉच में। कुछ भी नहीं करना है, हमारे सेलेक्ट करना है और उसको सेव करना है। ये देख सकते हैं जिसकी डायरेक्टली मेरे वॉच पर भी शो होने लग जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको डिलीट करना है तो वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो इसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको गूगल फिट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको जो अपनी नॉर्मल सेटिंग्स है वॉच की, अभी कौन सा उसमें अपडेट आने वाला है, अभी कौन सा चल रहा है, वो सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम हमारी वॉच की बात करें तो इसके अंदर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो ऊपर आपको जो अपनी नॉर्मल सेटिंग्स है वो सब देखने को मिल जाती है, जिसकी DND का देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाता है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और जो अपनी ब्राइटनेस है उसका आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके इसको आप बैक करेंगे, अगर इसको स्वाइप अप करते तो उसके अंदर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का सारा देखने को मिल जाएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। अदर साइड पर स्वाइप अप करेंगे तो आपको जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है वो सब देखने को मिल जाएगी, HR का देखने को मिल जाता है, स्ट्रेस का देखने को मिल जाता है, म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जो कॉलिंग वाला बताया था वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें देख सकते हैं जो मैंने अभी नंबर ऐड करा था वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और हिस्ट्री भी देख सकते हैं, और आपको डायलर भी मिल जाता है, तो आप डायल भी कर सकते हैं इजीली, तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस वॉच से। उसी के बाद हम देखेंगे तो वापस अपना जो वॉलपेपर है वो आ जाता है। उसके बाद उसका ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो जो उसके नॉर्मल जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, तो आप उनको सबको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जिसके हार्ट रेट आपको यहाँ से एक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कैमरा शटर का मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, स्टॉपवॉच मिल जाती है, अलार्म्स का मिल जाता है, एक्टिविटीज़ का देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर आपने अपना नीचे वाला बटन है उसको प्रेस करते तो आपके जितने भी स्पोर्ट्स मोड है वो सारे यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, तो आप ईजिली उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इनके अंदर जाके अपनी जो भी एक्टिविटी उसको करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट डाटा आपको देखने को मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप उसे फ्यूचर में कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।